हेलो गाइस, आई एम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका विक फन ब्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं बझुआ, और बझुआ पे होगा क्रिकेट। और कल के क्रिकेट मैच में हम नहीं थे और फोटू भाई नहीं थे, क्योंकि हम लोग गए थे कॉलेज। तो चलते हैं बझुआ और वहीं पर देखते हैं कि क्रिकेट में आज रिवेंज ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। और आज हमारी टीम लगभग सारे लोग हैं। यहाँ पर पीछे दुकान है जो हमारे चौराहा पर है, और पीछे हमारे जग्गा भाई भी आ चुके हैं। ये हमारे गांव का सीन है जो बीच चौराहा पर है। यहाँ पर पीछे आंवला का पेड़ हुआ करता था, जो अभी मतलब ज्यादा है नहीं, बस तीन पेड़ बचा है जो पहले आंवला का यहाँ पर बगिया था। हम आपके चैनल पे पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं। माय नेम इज रोबिंसन सरोज, प्रतापगढ़ के रहने वाला हूँ। तो अभी हम अपने गांव से आगे पहुंच गए हैं। गांव जो आप लोग पीछे देख सकते हैं, गांव हम लोग पीछा छोड़ दिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर खेत है, चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग, खेत ही खेत है। भाई भाई ठीक है, तो अभी चल रहे हैं मैच से। और अंशु भाई हमारे जो मटर के फूल का फोटो खींच रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, मतलब फोटो तो बहुत अच्छा एडिट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो आंवला का पेड़ जो है बहुत यहाँ पर है गांव में हमारे, और इसमें भी खेती होती है, मतलब दो तरह का इसमें बिजनेस होता है। एक नीचे जो खेती होती है वो प्लस में होती है, उसके साथ साथ आंवला का पेड़ है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंवला की, मतलब आंवला खाने के लिए सब लोग ढेला से उसको तोड़ रहे हैं। गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं पिच पे, काफी चलना पड़ता है, पैदल ही आते हैं क्योंकि पास नहीं है, तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पहुंचने वाले हैं और फिर आज देखते हैं रिवेंज ले पाते हैं कि नहीं। और आंवला का बगीचा हम लोग डांक चुके हैं। गाइस आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए और लाइक करिए हमारे वीडियो को। तो गाइस यहां पर हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए हैं, यहीं पर हम लोगों को मैच खेलना है। पीछे आप लोग देख सकते हैं जो बझुआ पिच का मैदान है। तो गाइस हमारे सचिन भाई हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। आज इनका से बहुत खराब मैच हरा, तो आपको लग रहा है कि आप मैच हरा देंगे हमारी टीम को? बहुत 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 ज्यादा मैच हरा देंगे आज, बहुत खराब हराएंगे, टेंशन ना लो। और हमारे सुभान भाई भी आज आ गए हैं हमारे साथ। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैच अच्छा होना चाहिए, और क्या, अभी हम तुमको हराने वाले हैं बहुत जल्द मैच। आपको लगता है आप हमें हरा देंगे? हराएंगे, हराए भी हैं, अब हरा भी। चलो आज देख लेते हैं फिर। हमारे बीच आज विपिन भाई भी हमारे साथ आ गए हैं मैच खेलने के लिए। अभी क्या खेल रहे हो आप? फ्री फायर। तो आपको फ्री फायर खेलने में मजा आता है? बहुत मजा है। तो गाइस पिच पर पहुंच चुके हैं और दोनों टीमें आ चुकी हैं, और ये बॉलर रहे सचिन भाई, और उधर प्रदीप खेल रहे हैं, और गेंद डॉट हो गई है। तो ऐसा ही प्रदर्शन है इन लोगों का। कल के मैच में तीन मैच लगातार जग्गा हारे थे, तो इनका कहना ये है कि कल की टीम में हमारे जग्गा भाई हार चुके थे, जो हम लोग जो कि हम नहीं थे, और काफी बंदे नहीं थे। और ये हमारे टीम का बंदा है, इसने गद्दारी कर दिया। गद्दारी कर बे, कल कुत्ते की तरह हारे थे सब। तो आप समझाएंगे कुत्ता कैसे हारते हैं? हारा था जैसे बुलावो ना, तो मुतुरा कुआं भाग गया आदमी कुत्ता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? इनके कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, हमें थोड़ा टाइम लगेगा इनके बातों को समझने में। हम आए हैं आज बझुआ के पिच पे, आज इस सरजमी पे खेलेंगे मैच, जो गांव के ही, मतलब कि हमारे नीलेश भाई हैं जो आपस में ही मैच लगाएंगे, और गांव-गांव से होगा। अभी टाइम लगभग 12 बज रहे होंगे। कितना मैच आज हो जाएगा? दो मैच हो जाएगा। तो कितने का मतलब संभावना है, कितने रुपए का मैच होगा? लगभग 500 रुपए पे होगा, मतलब एक मैच। और क्या, कमजोर बॉलर समझ रहे हो क्या? ऑलराउंडर हूँ आप ना? ऑलराउंडर हूँ मैं। फिनिशिंग का काम करते हैं हमारे सचिन भाई। जब से आए हैं यहाँ पर 1 घंटा हो गया होगा, तो अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है और जो दूसरी टीम है उसमें सस्ते नशे करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी चरस गांजा के लिए गए हैं, कुछ टाइम में आ जाएंगे तो मैच स्टार्ट हो जाएगा। लगभग अभी इंतजार ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो फॉर्म में नहीं है। जब तक वो नशे नहीं कर लेते तब तक वो फॉर्म में नहीं आते हैं। तो गाइस टॉस जीत कर हम बैटिंग करने वाले हैं और हमारे प्लेयर गए हैं ननकू भाई और बिग ननकू भाई। ये दोनों ननकू ही नाम है इनका, वैसे नाम दूसरा है, आदित्य नाम है और अंकित नाम है। तो दोनों गए हैं बैटिंग पे, आइए बैठ के मजे करते हैं। और यहाँ पर हमारी जो फील्डिंग है वो सजाई जा रही है, वहाँ पर सब दर्शक लोग बैठे हैं, देखते हैं मैच जीत पाते हैं कि नहीं। वैसे कोशिश करेंगे मैच जीतने के लिए। 75 रन बना है 5 ओवर में और 76 रन चाहिए उन लोगों को जीतने के लिए। तो गाइस हम लोग मैच जीत गए हैं और हमारे भाई हैं जो स्टार्ट में मतलब कह रहे थे मैच ये ही जीतेंगे। आज 3 मैच हुआ था जो कि पहला मैच जीते फिर उसके बाद दोनों हार गए हैं। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं और देखते हैं कल के मैच में क्या होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।